हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, सर वीडियो थोड़ा सा लेट है, आई थिंक 2 दिन लेट है वीडियो, क्योंकि सर वीडियो पहले मैंने मतलब बना के रख दिया था, वीडियो एडिट वेडिट जो भी था सारा काम मैंने कर दिया था, बट गाइज सर मेरे को थोड़ा सा काम आ गया था तो उसकी वजह से यार वीडियो 2 दिन लेट हो गई, तो उसके लिए भैया दिल से तुम लोगों से सॉरी। और गाइज सर आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं क्या, बेसिकली एक हम मेल्टिंग का सिस्टम बनाने वाले हैं, स्मेल्टिंग का एक सिस्टम बनाने वाले हैं, तो भैया का बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बनने वाला है, तो वीडियो पूरा अंत तक देखना। वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और जितने भी बंदे न्यू हो जिन्हों लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो यार हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना गाइस। तो चलो गाइस सर वीडियो शुरू करते हैं। गाइस सर स्मेल्टिंग सिस्टम बनाने से पहले मेरे को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और गाइस सर अपन को यार 14 फरवरी से पहले यार अपने जो डॉगी है क्यूट सा डॉगी यार इसके लिए भी यार गर्लफ्रेंड ढूंढनी पड़ेगी, तो जहाँ से मैं इसको लेके आया था वहीं के आसपास अपन को इसके लिए यार 14 फरवरी से पहले गर्लफ्रेंड भी ढूंढ के लानी है। तो गाइस ये हमारा टास्क है, ये हमारा मिशन है, तो अपने डॉगी को कम से कम सिंगल नहीं रखना है, क्योंकि भैया अपन तो सिंगल है कोई दिक्कत नहीं, अपने डॉगी को सिंगल नहीं रखना है, ठीक है? तो इसके लिए भी मेरे को यार वहाँ से कोई एक पार्टनर उठा के लाना पड़ेगा, तो वो बाद का काम है। अभी फिलहाल मेरे को बहुत सारी चीजें बनानी है स्मेल्टिंग सिस्टम को बनाने के लिए, बेसिकली यार वो ऑटो स्मेल्टिंग सिस्टम बनने वाला है, मेरे को सिर्फ एक फर्नेस क्या बोलते हैं इसको एक चेस्ट में सामान डालना है, बाकी वो सारा कुछ खुद ब खुद काम करेगा, मतलब वो उसको भैया खुद ब खुद मेल्ट करेगा, और खुद ब खुद इसमें यार जितना भी सामान होगा वो खुद ब खुद ही स्मेल्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो आपको पूरा आगे पता लग जाएगा भैया वो कैसे बनने वाला है। उससे पहले मेरे को बहुत सारी चीज़ें की जरूरत पड़ने वाली है, हॉपर्स वगैरह की जरूरत पड़ने वाली है, और गाइस चेस्ट की भी जरूरत पड़ने वाली है, ऊपर से हमारा जो फर्नेस वगैरह वो भी अच्छे खासे फर्नेस लगने वाले हैं, और गाइस बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। बस अभी हमें सामान वगैरह जितना भी है कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले रात हो रही है तो भैया जल्दी से जल्दी सो जाओ, सुबह कर लेते हैं, सुबह काम चालू कर लेते हैं ना, ठीक है? ओके, तो यहाँ से मैं जल्दी से जल्दी फिलहाल अभी देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बनेगा। ओके, चेस्ट मेरे को अच्छे खासे बनाने थे, अराउंड मेरे को चेस्ट कितने बनाने, मेरे को कितने हॉपर की ज़रूरत पड़ने वाली है, आई थिंक मेरे को टोटल मिला के मेरे को टोटल मिला के मेरे को हॉपर्स की ज़रूरत 33 हॉपर्स चाहिए मेरे को। ओके, तो इसका मतलब है यार मेरे को चेस्ट भी 33 के आसपास बनाने पड़ेंगे, तो हॉपर भी उतने ही बनेंगे, तो भैया बहुत ही ज़्यादा मतलब आयरन भी वेस्ट होने वाला है यहाँ पर। ओके, तो अभी मेरे को थोड़ा सा मतलब वुड मेरा काम पड़ गया, तो मैं वुड वगैरह जितना भी सामान वगैरह था वो तो मैं सारा कुछ बना चुका हूँ गाइज, तो हॉपर यहाँ पर तुम लोगों को कुछ नहीं करना गाइज, यार यहाँ पर तुम लोगों को 2 चेस्ट लगा देने, मैं सबसे पहले देख लेता हूँ यहीं पर लगाते हैं ना, यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 2 चेस्ट लगाने के बाद फिर गाइज तुम लोगों को 11 हॉपर लगा देने एक लाइन में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट वाला हॉपर, ठीक है गाइज? तो यहाँ पर पूरे 11 हॉपर लग चुके हैं, तुम लोग देख सकते हो गाइज पूरे एक लाइन में 11 हॉपर लग चुके हैं। तो अब मुझे करना क्या गाइज, यहाँ पर अपन के इसके ऊपर फर्नेस लगा देने हैं, तो फर्नेस भी पूरे 11 लगेंगे, तो इतना हो गया ना गाइज। अब जितना भी सामान यहाँ पर स्मेल्ट होगा वो सीधा हमारे चेस्ट में चला जाएगा। ओके, तो अभी हमें यार यहाँ पर पूरा ये वाला सिस्टम बन चुका है, तो अभी हमें करना क्या गाइज, अभी हमें इसके और भी काम है भैया जल्दी से जल्दी, फिलहाल अभी हमें इसके पीछे जाकर यहाँ पर भी हॉपर लगा देने, तो ये वाले हॉपर भी पूरे 11 हॉपर लगने चाहिए, तो यहां पर जल्दी से जल्दी यार इन हॉपर को भी लगा देता हूं मैं। तो गाइस सर जो इसके पीछे मैंने हॉपर लगा दिए हैं, तो इन हॉपर का जो भी मतलब कोल वगैरह हो गया तो इसको लाइट अप करने के लिए, ठीक है? तो ये जो पीछे हॉपर लगे हैं ना गाइस, इसको लाइट अप करने के लिए हॉपर लगे। ओके, तो यहाँ पर इतना हॉपर लगाने के बाद मेरे को एक ये वाले थोड़ा एरिया मतलब और भी थोड़ा यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, मैं जल्दी से जल्दी यार ये वाले एरिया को क्लियर कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस सर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एरिया क्लियर तो कर दिया है, तो अभी हमें करना क्या है गाइस सर, अभी हमें यहाँ से यार 1-2 ब्लॉक ले लेना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ऊपर चल मतलब देखते हैं कितना ब्लॉक लेना है। ओके, तो यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ पर हमें आई थिंक 1-2 ब्लॉक ऊपर लेना पड़ेगा। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं गाइस सर, यहाँ पर वापस से अपना जो, अबे यार गलत लग गया ना ये,
ओके तो गाइस यार यहाँ पर तुमको वापस से फर्नेस के ऊपर यार क्या हॉपर लगा देने, यार मैं नाम भूल जा रहा हूँ बार बार। तो गाइस यार कुछ इस तरीके का दिखेगा, मतलब पूरा 33 हॉपर लगने वाले हैं। तो एक सबसे पहले नीचे हॉपर लगने वाले ऊपर, उसके बाद फर्नेस के पीछे हॉपर लगने वाले हैं, उसके बाद यार फर्नेस के ऊपर हॉपर लगने वाले हैं। तो कुल मिला के मतलब 33 हॉपर लगने वाले हैं और फर्नेस 11 लगने वाले हैं। उसके बाद तुम लोगों को गाइस यार ये नीचे वाला जो पीछे वाले हॉपर्स हैं इन पे तुम लोगों को 3 ब्लॉक आगे ले जाना है। ठीक है गाइस, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर 3 ब्लॉक मैंने खींच दिया है। उसके बाद 3 ब्लॉक खींचने के बाद तुमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है गाइस, इस वाली साइड आके ये वाली साइड भी तुमको सेम, मतलब 3 ब्लॉक नहीं खींचना, यहाँ पर तुमको 1 या 2 ब्लॉक खींच सकते हो। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है तुमको कितना ब्लॉक खींचना है, बट मैं ये देखता हूँ अभी फिलहाल। मैं सोच रहा हूँ कि 2 ब्लॉक बहुत होगा, अभी फिलहाल 2 ब्लॉक बहुत है। अगर आगे हमें ज़रूरत पड़ती है तो मैं आगे और भी खींचूंगा। तो जल्दी से जल्दी फिलहाल तो यार मैं ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ पर अभी तुमको यार रील्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी फिलहाल हम रील्स वगैरह लगा लेते हैं, पावर ड्रिल। और गाइस यार एक चीज़ तुम ध्यान में रखना, तुमको जब यहाँ पर आओगे गाइस यार यहाँ पर तुमको सबसे पहले करना क्या है गाइस यार, पावर रेल को यार मतलब अच्छे तरीके से कनेक्ट करने के लिए यार यहाँ पर तुमको यार मतलब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, मतलब पावर ड्रिल है ना, जब भी मैं लगा रहा हूँ सामने पे ब्लॉक पे, अगर मैं ऊपर भी लगाऊंगा तो वो उसके साथ कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसको डिसकनेक्ट करने के लिए तुमको आगे एक लगा देनी है। तो ये होगा क्या गाइस यार, ये इसके साथ मतलब कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो भाई अच्छा खासा हमारा बन चुका है। ठीक है, इसको या इस तरीके से तुमको बनाना है, अगर ये इस तरीके से नहीं बनेगा तो ये सिंपली यार ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जल्दी से जल्दी मैं यार ये इसको पूरा खींच देता हूँ, और जैसे यार बीच में पहुंचेगा तो यहाँ पर भी तुमको एक पावर ड्रिल लगा देनी है, ताकि यार ये मतलब रुके ना जो भी हम यहाँ पर लगाने वाले माइनशाफ्ट क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो 3 ब्लॉक है गाइस यार यहाँ पर भी तुम लोगों को एक पावर ड्रिल लगा देनी है, एक नहीं आई थिंक 2 पावर ड्रिल लगेगी ना। हाँ गाइस, तो 2 पावर ड्रिल लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हमारे पास पावर ड्रिल पड़ी है एक्स्ट्रा, तो मैं 2 पावर ड्रिल यहाँ पर भी लगा देता हूँ। ओके देखिए जल्दी से जल्दी फिलहाल इसको तोड़ो, ओके यहाँ पर ये लगा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाली पावर ड्रिल लगने के बाद तुमको वापस जाना है, और गाइस यार यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इसको भैया मतलब पूरा इसको ठीक करने के लिए तुमको यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देना भैया, लग जाना। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पर इतना हो गया, तो अभी मेरे को इसको यहाँ पर लगा देना है। तो गाइस यार यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुमको मतलब बार बार कनेक्ट हो रहा होगा तो तुमको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्लॉक लगा देने आगे। उसके बाद जैसे ये पूरा एक्स्ट्रा ब्लॉक लग गया है, तुम लोग देख सकते हो ये डिसकनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी जल्दी से जल्दी यार यहाँ पर भी मेरे को पावर ड्रिल लगा देनी, तो जल्दी से जल्दी यार ये भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो इतना ओके, तो यहाँ पर भी बीच में अपन पहुँच गए, तो यहाँ पर एक पावर ड्रिल लगेगी, 2 नहीं लगेगी, 1 ही लगेगी। तो यहाँ पर एक पावर ड्रिल लग चुकी है, तो मेरे को यार यहाँ से निकालना पड़ेगा। कहाँ, किस वाले फर्नेस में गिर गया ये, इस वाले फर्नेस में गिरा यार, पता नहीं, जो भी जिस वाले भी फर्नेस में होगा तो वो मैं बाद में निकाल देंगे। तो ओके इतना हो गया, तो अभी मैं जल्दी से ओके गाइस। तो गाइस यार इतना होने के बाद यार यहाँ जैसे तुमको नीचे 3 ब्लॉक किया था ना, तो गाइस यार यहाँ पर तुमको 3 ब्लॉक नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ तुमको 2 ब्लॉक कर देना है। तो यहाँ पर 2 ब्लॉक होने के बाद हमारा कंप्लीट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस यार यहाँ पर इतना होने के बाद ये इसको मेरे को इससे बंद कर देना है। तो ऊपर तुम लोगों को सिर्फ 2 ही ब्लॉक कर देना है, 3 ब्लॉक भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 ही ब्लॉक ऊपर किया, उसके बाद मैंने पावर ड्रिल लगाने के बाद हमारा जो काम है मेन काम वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें इसको सिर्फ चालू करना है, तो चालू करने के लिए भी हमें अभी ये लेवर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं सबसे पहले यार यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देता हूँ पूरा अच्छे तरीके से, इतना अबे यार लग जाना। ओके, तो इतना होने के बाद मेरे को यहाँ पर एक ब्लॉक ऊपर जाना है। तो यहाँ पर इतना होने के बाद इतना हो गया ना, तो अभी गाइस यार ये सब हो गया है। तो अभी हमें करना क्या है गाइस यार, अभी हमें इसको चालू करने के लिए अभी हमें लीवर वगैरह की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आना है गाइस। तो यहाँ पर आने के बाद यार यहाँ वापस से हमें यार ब्लॉक लगा देने, क्योंकि बेसिकली यार यहाँ पर अपन अभी माइंड राफ्ट लगाने वाले, माइंड शाफ्ट भी राफ्ट बोलते हैं, मैं नाम भूल गया उसका। ठीक है, तो एक ब्लॉक तुमको इस वाली साइड लगा देने इस तरीके से, और उसके बाद तुमको इसको नीचे से तोड़ देना है। तो यहाँ पर ये तोड़ने के बाद वापस से तुमको यहाँ नीचे ये एक ब्लॉक लगा देना है। तो इसको भी तुमको अभी नीचे जाके मेरे को इसको भी तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से मैं थोड़ा बहुत इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो इतना हो गया ना, तभी हाँ, तो इतना होने के बाद अभी हमें लीवर की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं जल्दी से जल्दी लीवर कहाँ गए, तो बने हाँ ये रहे 4 लीवर। तो बेसिकली 2 से 3 लीवर लगने वाले, ज़्यादा भी लीवर नहीं लगने वाले। तो एक लीवर तुमको इस वाले ब्लॉक पर लगा देना है, दूसरा लीवर इस वाले ब्लॉक पे, तो इसके बाद इनको चालू कर देना है। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये लाइट अप हो चुका है। तो यहाँ पर आने इसको कंप्लीट करने के बाद तुमको यहाँ पर आना है, और नीचे वाले जो यहाँ मतलब नीचे वाला जो पावर रेल है उसके ऊपर तुमको एक ब्लॉक लगा देना है, उसके बाद लीवर लगाने के बाद ये भी चालू हो जाएगा। ओके, तो नहीं लीवर ही सही है, पावर मतलब वैसे भी
क्या बोलते हैं इसको, टॉर्च वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ती भाई, लीवर भी जरूरत है, ठीक है लीवर ही ठीक है। तो अभी हमें यार गाइस यहाँ पर आना है और यहाँ पर भी लीवर लगा देना है, आई थिंक लीवर ही लगाना है, पहले लीवर ही लगा लेते हैं, देखते हैं हमें लीवर से कैसे काम चलता है। अब मैं वो वापस से चलता हूँ क्योंकि अभी मेरे को एक और चीज़ बनानी थी जो कि मैं भूल गया था बनाना। ओके तो मेरे को बनानी क्या था, हाँ गाइज तो मेरे को बनाना था माइंड ड्राफ्ट बनाना था। ओके सॉरी गाइज मेरा नाम गलत कह रहा था, माइंड ड्राफ्ट मेरे को दो बनानी है, उसके बाद मेरे को उनके ऊपर अंदर चेस्ट लगा देना है, तो वो दो बनानी है ठीक है, माइंड ड्राफ्ट विद चेस्ट तुमको बनाना है। ओके गाइज तो यहाँ पर दोनों माइंड ड्राफ्ट विद चेस्ट बन चुकी है, उसके बाद जैसे यार ये दोनों मतलब बन जाएंगे तुम लोगों को कुछ नहीं करना, अपना जो स्मेल्टिंग सिस्टम होगा उसके पास जाके तुम लोगों को कुछ नहीं करना गाइज, एक माइंड ड्राफ्ट तुम लोगों को यहाँ पर लगा देनी है। ओके ये गलत बन गया, ये गलत बन गया गाइज, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं अभी सही कर दूंगा। सबसे पहले यार मैं ऊपर भी एक मेरे को ऊपर भी एक माइंड ड्राफ्ट लगा देनी है, तुम लोग देख सकते हो अच्छा वर्क कर रहा है, बट जो हमने यहाँ पर लीवर लगाया है ना वो गलत लीवर लगाया है ठीक है, क्योंकि अगर ये देखो गाइज अगर मैं इस लीवर को अभी बंद कर दूंगा तो बेसिकली यार मतलब बंद हो जाएगा, बट गाइज यार गलत कैसे बना है अभी मैं तुमको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले यार मेरे को एक काम और भी करना है जो कि अभी फ़िलहाल यार मेरे को ऊपर भी एक माइंड ड्राफ्ट लगा देनी है ठीक है, तो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ ये गलत कैसे बना है। तो मेरे को सबसे पहले इस लीवर को यहाँ से हटाना है क्योंकि बेसिकली यार हमको सिर्फ एक ही सिस्टम चाहिए जहाँ से मैं मतलब एक ही जगह चाहिए जहाँ से अपन एक ही लीवर से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पर मतलब दो लीवर लग जाते तो ज़्यादा सिरदर्दी हो जाती, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक ब्लॉक खींच देने हैं, उसके बाद यार यहाँ पर रेड स्टोन डस्ट लगा देनी है। मैं सबसे पहले यार एक ब्लॉक को ऊपर चलता हूँ ठीक है, यहाँ पर तुम लोगों को रेडस्टोन डस्ट लगा देनी है, तो ऊपर भी चालू हो जाएगा नीचे भी चालू हो जाएगा, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक लीवर लगा देना है। तो अभी मैं तुमको दिखाता हूँ ये कैसे चालू हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको मैं तोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर पीछे आने के बाद तुमको इसमें सामान वगैरह जो भी हमारा माइंड ड्राफ्ट विद चेस्ट है ना गाइस, तो उसमें सामान वगैरह भी डालना है, तो मैं उसके सामान वगैरह जितना भी है वो कलेक्ट करके आता हूँ गाइस ठीक है। तो फाइनली गाइस सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं आ चुका हूँ, तो अब आ चुका है भैया इसको चालू करने का टाइम, तो अभी हमें कुछ नहीं करना है गाइस, ये वाली मतलब चेस्ट पे जाकर थोड़ा सा आगे जाना है, तो यहाँ पर तुमको ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको ओपन करने के बाद जिसको भी तुमको स्मेल्ट करना है ना गाइस, तो उसको यार इस वाले चेस्ट में डाल देना है। तो गाइस यार तुम लोग देख सकते हो ये वाले चेस्ट में डाल चुका है ना, तो वैसे ही सेम तुमको पीछे वाले में क्या बोलते इसको कोल वगैरह डाल देना है ठीक है, तो जितना जिससे भी लाइट अप होता है तो उससे वो तुम लोग चीज़ें डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं जैसे लीवर ऑन करूँगा देख सो गाइस मतलब हमारा जो फर्नेंस है काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, जो बीच वाला फर्नेंस है शायद से उसमें वो पावर रेल चली गई है तो इसलिए शायद से वो वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं देख लेता हूँ कौन सा मतलब उसमें डाला है। तो क्या सर यहाँ पर फाइनली मैंने सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है क्योंकि उसमें यार रेल चली गई थी, पावर रेल चली गई थी, तो सारा कुछ तो सॉल्व हो चुका है और लिटरली हमारा जो मतलब ये स्मेल्टिंग सिस्टम है काफ़ी अच्छे तगड़े से वर्क कर रहा है, मैंने सोचा नहीं था इतने अच्छे से वर्क करेगा, बट अगर मैं 4 से 5 मिनट में ही भैया सारा कुछ स्मेल्ट होके आ ही रहा है, तो यहाँ पर मैं वापस को ऑन कर देता हूँ तुमको भी दिखा देता हूँ। अब यार ओके गाइस तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो भाई काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क करना चालू कर देता है ठीक है, मतलब भैया ये ऊपर चलते रहेंगे और तुम लोग सामान डालते रहोगे तो वो क्या बोलते हैं उसको वो स्मेल्ट करते रहेगा, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने मतलब कितने जल्दी यहाँ पर स्मेल्ट हो रहा है सारा कुछ सामान। तो फाइनली गाइस हमारा जो स्मेल्टिंग सिस्टम है पूरा कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी अच्छा बनना भी है ठीक है। और गाइस आज के लिए इतना, आई होप तुमको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मतलब वीडियो थोड़ा लेट है उसके लिए सॉरी गाइस ठीक है, तो आगे जितने भी वीडियोज़ होंगी थोड़ी जल्दी जल्दी लाने की मैं कोशिश करूंगा। बाकी यार तुमको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर देना, और जितने भी बंदे नहीं हो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और गाइज यार लाइक मतलब शेयर जरूर से अपने दोस्तों में कर देना, गाइज कमेंट में जरूर से बता देना वीडियो तुमको कैसा लगा हमारा ठीक है। तो चलो गाइज सर मैं मिलते किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक तुम लोग हमारी वीडियोज देखते रहो और मजे उठाते रहे, बाय बाय।